हेलो ऑफिसर्स, अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको होली मुबारक हो। ओके, आज छुट्टी है इसीलिए लाइव सेशन रिकॉर्ड लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक सेशन पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ है आपके लिए। ओके, तो इस सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको ऑब्जर्व करके आपको डिकोड करके पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, वीडियो यहीं पर पॉज कीजिए और इसको पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन डिकोड हो गया होगा, जिनको नहीं हुआ है और जिनको थोड़ा सा टाइम लगा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। ओके, अगर हम यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर हर कोड में चार फील्ड जा रही है, तो सक्सेस के लिए भी 1, 2, 3 एंड 4 चार फील्ड्स आएगी। ठीक है, पहले दो फील्ड्स में क्या है, यहां पर लेटर है, तीसरी जगह पर क्या होना चाहिए था, सिंबल होना चाहिए, और सबसे आखिरी में क्या आना चाहिए था, नंबर आना चाहिए था। ओके, अब देखो, हमने डिस्कस किया हुआ है इन सब में पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। ओके, अगर यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक चीज तो पता चलती है कि यहां पर सिर्फ दो सिंबल यूज हुए हैं, है ना। अगर सिर्फ दो सिंबल यूज हुए हैं तो हमने पहले ही क्या देखा था कि मैक्सिमम केसेस में इसका लॉजिक कैसे रहेगा, इसका लॉजिक रहेगा ऑड इवन से, नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ लेटर्स इवन, इसी से रिलेटेड यहां पर लॉजिक रहता है, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें यहां पर हैश 3 बार दिखाई देता है, एट द रेट 1 ही बार दिखाई देता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ लेटर्स से रिलेटेड है या नहीं ये चेक करने के लिए जस्ट हम नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं। यहां पर कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 3। यहां पर कितने हैं, 3 और 3 6। यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर कितने हैं, 3 6 और 2 8। तो हमें यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में सारे वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर हमने निकाल दिए हैं। अब यहां पर देखो 6 2 8 तीन बार इवन नंबर आ चुका है और एक ही बार क्या आया है, ऑड नंबर आया है। मतलब यहां पर हमारा लॉजिक तो सही लग रहा है क्योंकि 3 बार हैश आ चुका है और 1 ही बार एट द रेट आया है। मतलब सिंबल यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, अगर एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो एट द रेट उसको रिप्रेजेंट करता है जिसमें ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, और हैश उसको रिप्रेजेंट करेगा जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स इवन होंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले हमने सिंबल को क्यों चूज किया, क्योंकि यहां पर सिंबल सिर्फ 2 ही यूज हुए थे और वो ज्यादा आसान होता है, इसीलिए पहले हमने यहां पे सिंबल को चूज किया। ओके, अब एक तो चीज कंफर्म हो गई ना हमें, सिंबल। तो यहां पर देखो ये ऑल का कोड हमें कंफर्म पता चल जाएगा, अब इसके लिए ज्यादा ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 1 ही बार एट द रेट आया है, तो ऑल का कोड सीधा सीधा हमें क्या मिल जाएगा, OC@13। ठीक है, ये हमें मिल गया ऑल का कोड। अब जो पहले हमें यहां पर ट्रायल एंड एरर करके वो कोड फिक्स करने की जरूरत थी, वो थोड़ा सा हमारा टाइम यहां पे बच जाएगा। यहां पे देखो इनमें से यहां पर कौन सा लेटर किसके नजदीक है, ये देखो। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी ए के नजदीक है। ठीक है, ए के नजदीक मतलब ए का सी के साथ क्या रिलेशन है, ए के बाद बी फिर सी, यानी रिलेशन क्या हुआ, आगे 2 जा रहा है यानी +2। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर दूसरे पोजीशन पे जो भी लेटर आ रहा है वो पहले लेटर का +2 है। क्रॉस चेक करना होगा तभी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। क्रॉस चेक करते हैं, आर यहां पर हमने लिया है तो आर का अगर +2 देखते हैं तो एस और टी है ना, तो यहां पर कोई ना कोई ऐसा कोड चाहिए था जिसमें सेकेंड लेटर टी आया हो, हमारे पास ये है। एक और बार क्रॉस चेक करते हैं, एफ, एफ का +2 होता है जी एंड एच, F के बाद G एंड H, F का +2 अगर H है तो कोई ना कोई कोड ऐसा चाहिए जिनमें सेकेंड पोजिशन पर H होना चाहिए, हमारे पास है। ठीक है, अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है पर लॉजिक तो सही जा रहा है हमारा। ठीक है, तो दूसरे लेटर का लॉजिक हमने क्या लगा लिया है, यहां पर फर्स्ट लेटर की पोजिशन +2। यहां पर इस लेटर का लॉजिक क्या है, फर्स्ट लेटर की पोजिशन +2। ओके, अब ओ का लॉजिक निकालते हैं, ओ इनमें से नजदीक किसके है, एल के नजदीक। एल के नजदीक क्या है, एल एम एन ओ +3। हर जगह पर यहां ऐसा ही होता है क्या, देखते हैं टी के बाद अगर +3 लेते हैं हम,
ठीक है, टी के बाद प्लस थ्री, यू वी डब्ल्यू, हमारे पास W यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ है, पर रिजल्ट में हमने जो लॉजिक लगाया था वो तो ये लगाया था, है ना, मतलब यहाँ पर T का रिलेशन G के साथ ये क्या होना चाहिए था, रिवर्स होना चाहिए था, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो L और O का भी रिलेशन क्या होता है, रिवर्स होता है, ये रिवर्स पेयर्स ही है, ओके। तो यहाँ पर क्रॉस चेक करके देखते हैं एक बार, पहले लेटर के लिए हमारा यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा है, रिवर्स लेटर का। अब देखो T का रिवर्स लेटर होता है G, यहाँ पर आ चुका है, S का रिवर्स लेटर होता है H, यहाँ पर आ चुका है, D का रिवर्स लेटर होता है W, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये भी लॉजिक डिकोड हो गया हमारा, ठीक है, ये लॉजिक क्या हो गया हमारा, रिवर्स ऑफ, ठीक है, रिवर्स ऑफ क्या हुआ है हमारा, लास्ट लेटर, यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए था, लास्ट लेटर का रिवर्स होना चाहिए था, ओके। अब बचा सिर्फ नंबर, बाकी सब तो डिकोड कर लिया हमने। नंबर को डिकोड करने के लिए क्या करते हैं, इनमें से सबसे छोटा वर्ड चूज करते हैं ताकि मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बने। इसमें से सबसे छोटा है इज, तो इज को हम पहले डिकोड करते हैं, ठीक है। इज में आई की पोजीशन, आई की पोजीशन क्या होती है, 9, और एस की पोजीशन होती है 19। अब इसका इज का कोड क्या था, इज का कोड था एच एंड के, ये वाला था HK #28, ये था इज का कोड, ठीक है। ये कैसे हमने पता कर लिया, क्योंकि हमें ये पता था यहां पर पहला लेटर आखिरी का रिवर्स यानी एस का रिवर्स एच एंड आई का प्लस टू के। अब यहां पर हमें 28 नंबर लेकर आना है, अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 28 होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले और आखिरी लेटर की पोजिशन का एडिशन हो रहा है, ऐसा हर जगह पर हो रहा है, क्या देखते हैं। ऑल का कोड हमें पता था OC@13 था, ऑल में ए की पोजीशन होती है 1 एंड एल की पोजीशन होती है 12, तो 1 प्लस 12 कितना होता है, 13, तो यहाँ पर भी हमें सेम लॉजिक मिल रहा है। तो नंबर का लॉजिक क्या मिलता है हमें, नंबर का लॉजिक है फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट की दोनों की पोजीशन की हमें क्या करनी है, यहाँ पर एडिशन करनी है। तो ये हमारा सारा यहाँ पर इस तरीके से डिकोड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन पूछा था हमें कि सक्सेस का कोड क्या है, SUCCES, इसका कोड पूछा था। अब हमें बस ये अप्लाई करना है, यहां पर क्या करना है, लास्ट लेटर का रिवर्स, एस का रिवर्स क्या होता है, एच। यहां पर क्या करना है, फर्स्ट लेटर प्लस टू, एस का प्लस टू क्या होगा, एस के बाद टी एंड यू, ठीक है। इसके बाद यहां पर सिंबल, तो यहां पर सिंबल के लिए हमें नंबर ऑफ लेटर्स चाहिए होंगे, तो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3, 3, 6 और 1, 7, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, मतलब सिंबल कौन सा आना चाहिए यहां पर, एट द रेट, और नंबर कैसे आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, एस की पोजिशन 19, 19 प्लस 19 होता है 38, तो आंसर क्या होगा हमारा, HU@38, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन HU@38, ठीक है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, सर सेकेंड क्वेश्चन दिखाना, चलो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो आप लोग। अगर इन दोनों के लिए हम देखते हैं तो यहां पर फर्स्ट में क्या पूछा था हमें, पॉजिटिव अप्रोच का कोड पूछा था, ठीक है। अब इसकी कुछ जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, देखो पॉजिटिव अप्रोच का कोड पूछा है, पॉजिटिव अप्रोच का कोड चाहिए हमें, ठीक है। तो पॉजिटिव का कोड पहले निकालते हैं, फर्स्ट लेटर का रिवर्स, रिवर्स ऑफ लास्ट लेटर, लास्ट लेटर का रिवर्स क्या होगा, ई का रिवर्स होता है वी, ठीक है, फर्स्ट लेटर प्लस टू, पी का प्लस टू, क्यू एंड आर, ओके। नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं फिर, 3, 3, 6 और 2, 8, इवन नंबर ऑफ लेटर है, यानी यहां पर क्या आना चाहिए था, हैश आना चाहिए था, ठीक है। एंड फर्स्ट प्लस लास्ट, पी की पोजीशन होती है 16, ई की पोजीशन होती है 5, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 21। तो पॉजिटिव का कोड हमें मिला VR#21, ओके। अब यहाँ पर अप्रोच का कोड निकालते हैं, अप्रोच का कोड क्या है, देखो लास्ट लेटर का रिवर्स, H का रिवर्स क्या है, S, फर्स्ट लेटर का प्लस टू, B एंड C, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए था, सिंबल,
सिंबल के लिए नंबर ऑफ लेटर 3, 6, 8, 8 इवन नंबर ऑफ सिंबल्स है, इसका मतलब क्या आएगा यहां पर, हैश आएगा, ठीक है, ओके। और नंबर निकालते हैं ए और एच की टोटल कितनी हो जाएगी, 9, ओके। तो यहां पर हमें इसका आंसर क्या मिला, वी आर हैश 21 और एस सी हैश 9, एस सी हैश 9 हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन में हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही कोड है, वी आर हैश 21 एंड एस सी हैश 9, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में हमें किसका कोड पूछा था, हमें पूछा है न्यू जर्नी स्टार्ट का कोड, इसका कोड पूछा था हमें थर्ड क्वेश्चन में, ओके। अब देखते हैं यहां पर न्यू का कोड देखते हैं, लास्ट लेटर का रिवर्स डब्ल्यू ओ पी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ लेटर 3 है, ऑड के लिए सिंबल आता है एट द रेट और एन की पोजीशन 14, डब्ल्यू की पोजीशन 23, इसका टोटल आ जाएगा 37। जर्नी लास्ट लेटर का रिवर्स, वाई का रिवर्स होता है बी, जे का प्लस 2 होता है के एंड एल, इसके बाद जे की पोजीशन 10, वाई की पोजीशन 25, तो यहाँ पे नंबर आना चाहिए था 35, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स देखेंगे तो 3, 3, 6 और 1, 7 ऑड के लिए हैश, ओके। आखिरी में स्टार्ट का कोड, टी का रिवर्स होता है जी, एस का प्लस 2 होता है एस, टी एंड यू, ओके। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर 5 ऑड है, तो सिंबल कौन सा आएगा, एट द रेट आएगा, एंड एस एंड टी की टोटल होती है 39, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 39। डी पी एट द रेट 37, बी एल हैश 35 एंड जी यू एट द रेट 39 हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर, फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करो, फोकस्ड का कोड पूछा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन में किसका कोड पूछा है, एफ ओ सी ओ यू, एफ ओ सी ओ यू एस ई डी का कोड पूछा है हमें, ठीक है। अब डी का रिवर्स क्या होता है, डब्ल्यू, फर्स्ट लेटर का प्लस 2, एफ का प्लस 2, जी एंड एच, ओके। इसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम देखते हैं 3, 3, 6 और 2, 8 इवन है, तो यहाँ पर हैश आना चाहिए था, ठीक है। एफ की पोजीशन होती है 6 और डी की पोजीशन होती है 4, तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, 10, तो यहाँ पर आंसर क्या है, डब्ल्यू एच हैश 10, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, पांचवा क्वेश्चन, पांचवे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द कोड फॉर सिलेक्शन इन द गिवन कोड लैंग्वेज, किसका कोड चाहिए हमें सिलेक्शन का, एस ई एल ई सी टी आई ओ एन, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर से निकालते हैं इसका भी कोड, एन का यहां पर रिवर्स, एन का रिवर्स क्या है, एम, एस का प्लस 2, टी एंड यू, नंबर ऑफ लेटर 3, 6, 9, ऑड नंबर ऑफ लेटर है, तो सिंबल कौन सा आना चाहिए, एट द रेट एस की पोजीशन 19, एन की पोजीशन 14, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 33, एम यू एट द रेट 33, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देखो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ये पैटर्न थोड़ा सा टीडियस होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब पॉसिबल रिलेशन देखे हैं कि यहाँ पर लेटर के लिए क्या क्या आ सकता है, वर्ड के लिए, मतलब सिंबल के लिए क्या आएगा, और नंबर के लिए कैसे कैसे आंसर्स निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम ट्रायल एंड एरर कितने जल्दी करते हैं और हमारा ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, इस बात पर हमारा यहाँ पर स्पीड डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं पर रुकते हैं, हम कल फिर मिलेंगे और सेशन में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।